के नहीं बनने की वजह से जो समस्याएं थी हम लोगों को आम जनता को वो समस्याएं थी। उनका दावा रहा कि पुल में बम्बलिंग होती है, गाड़ी जब तेज रफ्तार में चलती है तो उसमें पुल में बम्बलिंग होती है। तो अभी यहाँ खड़े होकर देख ही रहते थे कि आप लोग आ गए, तो देखा हमने महसूस किया कि ये बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छी रोड बन गई है और इसको हमारे हेमंत सोरेन जी बनाए, हम नहीं देखते। सरकार इतना प्राइवेसी करने के बाद भी मेरे ख्याल से लीक नहीं हुई है, लोगों को लोगों अफवाह उड़ा रहे, समझे ना। आप बहु बाजार का लोकेशन जाकर देखो कितना वहां पे फायदा है, क्या वास्तव में पूरा अधूरा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत फायदा है आपके लिए, फायदा जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं समृद्ध झारखंड। दोस्तों आज मैं काटा टोली फ्लाईओवर के आपके मन में उत्सुकता जग रही होगी, सियासत की गुथियां सुलझाते सुलझाते मैं पुल पर क्यों पहुंच गया, ओवर फ्लाई पर क्यों पहुंचा। तो दरअसल हालिया दिनों में रांची को एक बड़ी सौगात मिली, वह सौगात है करीबन 2.25 किलोमीटर काटा टोली ओवर फ्लाई की। इस फ्लाईओवर के निर्माण से रांची वासियों को जाम से मुक्ति का दावा किया जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि रांची वासियों को जिस जाम का सामना करना पड़ता था, जिस भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ता था, सरकारी कर्मियों को जिसके कारण काफ़ी मुश्किलें आती थी, मध्यम क्लास मिडिल क्लास के लोगों को अपने अपने दफ्तरों में जाने में तकलीफें आती थी, घंटों जाम, और इसके कारण उनकी परफॉर्मेंस प्रभावित होता था, उनका कामकाज प्रभावित होता था। तो दावा यह किया गया कि इससे उनकी ज़िंदगी में, रांची वासियों की ज़िंदगी में, राजधानी वासियों की ज़िंदगी में एक सुगमता आएगी। तो इसके साथ ही एक मकसद तो यह भी था, लेकिन इसके साथ ही हमारे यहाँ आने का एक दूसरा कारण भी है, और वह कारण है जो स्थानीय विधायक हैं यहाँ के, सीपी सिंह 6 बार के विधायक रहे हैं लगातार। और झारखंड में यदि भाजपा की बात करें तो भाजपा के साथ ही यदि विपक्ष को भी ले लें तो एक बड़ा चेहरा है। 4 अक्टूबर को जब इस पुल का उद्घाटन हो रहा था तो उस अवसर पर वो भी आमंत्रित थे, लेकिन बाद के दिनों में उनके द्वारा इस पुल की गुणवत्ता पर, इस पुल का निर्माण को लेकर, इसकी क्वालिटी को लेकर कई एक सवाल खड़ा किए गए। उनका दावा रहा कि पुल में बम्बलिंग होती है, गाड़ी जब तेज़ रफ्तार में चलती है तो उसमें पुल में बम्बलिंग होती है। उनका आरोप है कि पुल के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ और इसकी जाँच जो है किसी थर्ड पार्टी से करवा ली जाए। यहाँ मैं आपको यह भी बता दूं, जिस दिन पुल का निर्माण हुआ था सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना के संग इस पुल का पहला खुद कार ड्राइव करते हुए पहला ड्राइव लिए थे, जो सुर्खियाँ भी बनी थी, और शायद वही सुर्खियों के बाद सीपी सिंह की ओर इसकी आलोचना आई। तो मेरे आने का जो यहाँ मकसद साफ है, पुल की गुणवत्ता कैसी है, क्या वास्तव में पुल अधूरा है, क्या वास्तव में बम्बलिंग हो रही है, और इसके निर्माण से जो यहाँ के नागरिक हैं, राजधानी वासी हैं, उनके ज़िंदगी में कितनी सुगमता आई है। मैं चाहता हूँ कि इस पुल पर जो आप देख रहे होंगे, आप चाहे उस तरफ भी दिखाएं, काफ़ी भीड़ जुटी हुई है, लोग अपने अपने घरों से निकल कर शाम के वक्त इसका आनंद ले रहे हैं। चारों तरफ ये नज़ारा आप देख सकते हैं, दूर दूर तक ये गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ रफ्तार से दौड़ रही है, कहीं कोई जाम नहीं, कहीं कोई भीड़ भाड़ नहीं, एकदम स्मूथली चल रहा है। मैं यह भी बता दूं कि यह जो दृश्य आप देख रहे हैं यह सीधा जमशेदपुर जाती है, जमशेदपुर जाने के क्रम में पहले काटा टोली चौक पहुँचना एक बड़ी समस्या होती थी, लेकिन
अब आप जैसा देख रहे हैं दुर्गा पूजा का अवसर है, भीड़ भाड़ बढ़ी हुई है, बावजूद इसके कोई बहुत बड़ा ट्रैफिक नज़र नहीं आ रहा है। तो इस पुल को लेकर अब आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? राजनेताओं का काम तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाना ही होता है, लेकिन उसकी वास्तविकता क्या है? मैं यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं जो देख पुल का आनंद ले ले आए हैं, कैसा लगा पुल आपको? क्या जिंदगी में कुछ सुधार आया पुल से? पहले जाम था, अच्छा जाम से मुक्ति मिल गई, और क्या फायदा हुआ? वही जाम से मुक्ति उत्ति मिला है, जाम से मुक्ति मिली है। इसके सिवा और क्या फायदा है? तो यही स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर पर तो साड़ी गोली उछलती है, तो इसी के बारे में सीपी सिंह के द्वारा बमलिंग का दावा किया गया है। तो आप देख रहे हैं ये साफ दिख रहा है, इसी के बारे में सीपी सिंह ने बमलिंग का दावा किया है। अब यह कितनी बमलिंग है, मैं यहाँ जो बात करते हुए आए हैं उनसे भी समझने की कोशिश कर। क्या नाम हुआ आपका? चंद्र मेहरा। कहाँ से आए हैं? गिरिडीह से आए। गिरिडीह से पुल देखने आए हैं? गिरिडीह से चल के देखने आए हैं। हमारे हेमंत सोरेन जी बनाए, हम नहीं देखे यहाँ देखे, और विकास कर रहे हैं झारखंड में, देखना तो पड़ेगा। सीएम हेमंत बनाए हैं इसलिए आप गिरिडीह से चल के देखने आए हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, एंजॉय आ रहा है। प्रचल बढ़िया लगा, पूरा हवा चल रहा है, शानदार है, शानदार है। सरकार बेहतर काम की है, बेहतर काम किया है। क्या पुल में कोई भ्रष्टाचार भी हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। सीपी सिंह तो बोल रहे हैं कि इस पुल में निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है, एक थर्ड पार्टी एजेंसी से इसकी जाँच करवानी चाहिए। नहीं, उस तरह तो बोलते रहे, बोलने वाला का मुख्य कौन भाई? सीपी सिंह को जानते हैं आप? रांची के 6 बार के विधायक रहे हैं। जैसे कान्हा टोली चौक पर लोग इधर से उधर जा रहे थे, तो चूंकि जाम का सामना करना पड़ता था, और अब हम लोग देख रहे हैं कि नीचे भी अभी हमने देखा, हम भी आज यहाँ पर बगल में कोकर में रहते हैं, और वहाँ से आज यहाँ घूमने के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं कि क्या स्थिति है। तो अभी यहाँ खड़े होकर देख ही रहे थे कि आप लोग आ गए, तो देखा हमने, महसूस किया कि ये बहुत ही अच्छी रोड बन गई है, और इसको बनने से बहुत ही सहूलियत जनता को, और हम लोगों को खास तौर से यहाँ पर कान्हा टोली चौक के आसपास में जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी दिनों से जाम चल रहा था, अब सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम लोगों को ऑफिस जहाँ भी जाते हैं, घर से निकलते हैं कि जहाँ जाना है, वहाँ का टाइम 20 मिनट का है, लेकिन कान्हा टोली चौक पर आने पर लगता था कि टाइम 1 घंटा यहीं पर लग गया, तो वो हम लोग विद इन टाइम ऑन टाइम पहुँच सकते हैं अपने ऑफिस में या घर, बच्चे। आपकी ज़िंदगी में काम हुआ तो पुल देखने चले आए हैं ना? निवासी जो है, राजधानी के जो नागरिक है, राजधानी के निवासी हैं, उनकी जिंदगी में कुछ सहूलियत आई है? अभी तक तो कुछ सहूलियत दिख नहीं रही है सर। बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो मेरा ये प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि दोबारा हेमंत का सरकार आना चाहिए? क्योंकि अब कुछ ही दिन में चुनावी का बिगुल बज जाएगी, फिर चुनाव होगा, तो हेमंत का सरकार आना चाहिए तो फिर बीजेपी का सरकार आना चाहिए? बिल्कुल हेमंत का सरकार आना चाहिए, क्योंकि वो काम अच्छा कर रहे हैं। तो आप 5 साल के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। आप जो जेपीएससी सीजीएल का जो है, उसके आप क्या राय देना चाहते हैं? जो ये क्वेश्चन लीक हुआ, जो हो गया है, उसका कहाँ लीक हुआ है? अरे भाई सही जाम, ये पुल के निर्माण के बाद भी जाम नजर आ रहा है, एकदम जाम नजर आ रहा है। इससे फायदा है इस एरिया को, फायदा है और किसी एरिया को फायदा, और भी इस तरह के पुल की जरूरत, और भी बहुत सारे पुल की जरूरत है। कहना है कि इस पुल से फायदा तो हुआ है, पर रांची को इससे भी बेहतर पुल की जरूरत है। एक बात और आ रही है, जो स्थानीय विधायक सीपी सिंह है, उनका दावा है कि पुल में, देखिए वो जो देख रहे, दिखाओ आपको, एक कराओ दिखाओ, इसके कारण बम्बलिंग हो रही है, कार जो है उछलता है, तो क्या उनका दावा है कि पुल के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ और इसके कारण इसकी जांच होनी चाहिए? अगर ऐसा लगता है तो जरूर जांच होनी चाहिए, जरूर जांच होनी चाहिए, है कि हमारे साथ भी ऐसा तकलीफ होता है आने जाने में। गिरिडीह में ऐसा पुल नहीं है क्या? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो मेरा राजधानी में रांची में है, वो बना है। सरकार बेहतर काम की है, सरकार तो बेहतर काम की है, यहीं पर रहते हैं।
त्रिपुल का आनंद लेने आए हैं। ये शाम का हवा, खुला आसमान, ठंडी हवा, त्रिपुल का आनंद। ये हमारे सोलन जी कैसा काम किया, त्रिपुल के कारण लोगों को जाम से निजात मिली। क्या हुआ, कैसा लग रहा है आपको, और बीच में ड्राइविंग करके? जी अभी तो ठीक लग रहा है। तो आप ये बताइए कि हेमंत सोरेन के जो 5 साल का कार्यकाल है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट अभी तक तो जो कार्यकाल हो रहा है और विकास का जो काम हो रहा है उससे संतुष्ट है। तो पुल देखने आए जी, क्या है खास पुल भाई? इस पुल से हम लोगों को बहुत बड़ी मुसीबत से निजात मिली है। ये जो अभी आप गाड़ी देख रहे हैं, जो सब जा रही है, अगर ये पुल नहीं होती तो आधा घंटा जाम में फंसा रहता सारा लोग, जो कि ये पुल बनने से वो लोगों को बड़ा आसानी हो गया है। नहीं तो यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत बड़ा समस्या था, जो समस्या पुल बनने से खत्म हो गई। एक सवाल, एक आरोप यह भी लग रहा है कि इस पुल के निर्माण में घपला हुआ है और इसका जाँच होनी चाहिए। ये तो सर सरकारी अफसर का काम है, हम लोगों को तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते और जान भी नहीं सकते हैं, ये हम लोग से बहुत दूर है। लेकिन हम लोगों को ये ब्रिज बनने से बहुत फायदा हुआ है, बहुत आराम हुआ है। रांची के ही जो स्थानीय विधायक हैं सीपी सिंह, वो कह रहे हैं कि इसकी जांच थर्ड पार्टी एजेंसी के द्वारा होनी चाहिए। ये देखिए, ये तो सरकार की काम है, इस पे हम लोग कुछ अपना राय नहीं दे सकते, क्योंकि हम लोग ना जान ही नहीं रहे कि घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ। उनका कहना है कि इस पुल पर गाड़ी दौड़ाने में गाड़ी जंप करता है, बम्पिंग होती है। वो तो सर जांच का विषय है, वो जांच का विषय है। हम तो ड्राइव किए, हम तो ड्राइव किए, बहुत मजा आया हमको, बहुत अच्छा लगा है। नहीं, हमको ऐसा कुछ नहीं लगा, और भी गाड़ी सब जा ही रहा है। अगर वैसा खतरा का कुछ बात होता तो लोग, बड़े बड़े इंजीनियर लोग बैठे हुए हैं इस मुद्दे को, वो लोग देखते जाते। क्या लगता है कि ये जो आरोप है सिर्फ राजनीति से प्रेरित है? देखिए, वो लोग बड़े लोग हैं, वो लोग का जो कहना है वो लोग अपने स्तर पे कहते हैं, एक दूसरे को उलझाने के लिए। सरकार बेहतर काम की है, बहुत बेहतर काम की है, रांची वासियों के लिए तोहफा है क्या? आपने जब खुला आसमान बहुत बड़ा तोहफा है। शहर का पूरा रौनक बढ़ गया, रौनक बढ़ गया शहर का, शहर का रौनक बढ़ गया। आप चाहते हैं कि रांची में इसी तरह का, हाँ इसी तरह डेवलप करे रांची। एक बात आ रही है कि इस पुल के निर्माण में, ओवरब्रिज के निर्माण में घपला हुआ है कुछ, क्या लगता है? वैसे तो कुछ बात नहीं है, अब तो अंदर की बात है वो। सीपी सिंह को जानते हैं ना, अपने स्थानीय विधायक को? घपला हो गया, जांच होनी चाहिए। चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये काफी लोग अब तदार में जा रहे हैं, मतलब ये ओवरब्रिज के बनने से काफी फायदा हुआ।